The Central Bureau of Investigation heat is on Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and only growing by the day. Hours after a lookout notice was issued, now it's also become a political showdown. भ्रष्टाचार के खिलाफ और देखिए इसी स्वराज पुस्तक के एक पेज में लिखा है कि अगर कोई शराब की दुकान खोलने के लिए आएगा तो हम उसको मंजूरी नहीं देंगे, अगर किसी भी रिहायशी इलाके में कहीं शराब का नया ठेका खोला जाएगा तो उससे पहले महिला संगठन और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये केजरीवाल जो 7 साल पहले स्वराज पुस्तक में लिखते हैं, जो 1 साल पहले विधानसभा में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी करने वाले देश के गद्दार हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ये वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचारी जो गद्दार हैं देश के, उन गद्दारों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए, आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए भ्रष्टाचारियों को जो गद्दार हैं, ये देश के गद्दार जिसको आप खुद कह रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। पूरी उम्मीद है कि आप इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके भी हाथ पूरी तरह उसमें रंगे हुए भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार के में दलदल में आप भी फंसे हुए हैं, किंगपिन है आप, सरगना है अरविंद केजरीवाल इस पूरी भ्रष्टाचार शराब के लिए जो भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर, जो शराब माफियाओं के सहयोग उनके साथ नरम बर्ताव किया है और उनको तमाम रियायतें दी हैं, यही सिसोदिया जी कह रहे थे कि हम तो शराब की नई नीति इसलिए लाए हैं कि इससे हम शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब इनका पोल खुल गई है तो अब ये दूसरी दूसरी दलीलें दे रहे हैं, दूसरी दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं तुम इधर उधर की बात मत करो, ये बताइए कि दिल्ली के राजस्व में डकैती डालने का, दिल्ली के राजस्व में चोरी करने का काम क्यों किया? ये पाप दिल्ली के लोगों की जो टैक्स की कमाई है, उस टैक्स की कमाई को शराब के माफियाओं को क्यों लुटाया गया? इसका जवाब जानना चाहती है दिल्ली की जनता, देश की जनता। इसलिए इस तरह की बातें करके गुमराह मत करो, आपकी पोल पूरी खुल चुकी है और जो भ्रष्टाचारी हैं अब उनका पोल खुल के उनकी जेल की दरवाजे तक जाने की बारी है। तो इसलिए जो जवाब आज भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, जो जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है, तुम इधर उधर की बातें मत करो, वो जवाब दीजिए कि आखिर शराब माफिया को आपने करोड़ों रुपए का फायदा क्यों पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक एक करके हम प्रश्न लेंगे। देखिए, जो प्रश्न आपने किया दो भाग में उसे बांटते हुए, ये नया फैशन है आजकल भारतीय राजनीति में, खासकर विपक्ष की पार्टियां जब देश को प्रदेश को लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं तो नहीं सोचते, जब कांग्रेस के शासन में जांच एजेंसियों को पिंजरे का तोता बनाया था तब नहीं सोचा था, आज जब जांच एजेंसी अपना काम करती हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती हैं, जनता का रुपया जो लूटा गया है वापस लाती हैं, तो कहा जाता है ये राजनीतिक द्वेष का मामला है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, आप लोग न्यायालय जाते हैं
वहां से ये मामले रद्द नहीं होते। ये जिस दिन एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दिखा देंगे कि यह न्यायालय ने कहा कि यह राजनीतिक द्वेष का मामला है, उसके बाद इनकी बात में कुछ वजन होगा। आज तो ये ओछी हल्की निंदनीय राजनीति कर रहा है, और यह कहना गलत नहीं होगा, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। जब आप कहते हैं कि वो यही हैं, लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया? एक ईमानदार जांच एजेंसी ईडी को इडियट बुलाइए, सीबीआई अपना काम कर रही है कि कुछ भी हो जाए इन कट्टर बेईमानों को भागने नहीं देंगे, कानूनी प्रक्रिया के तहत लुकआउट नोटिस करती है, पूछा जाता है ये यही दिखाई दे रहे हैं, क्यों किया? क्योंकि कानून प्रक्रिया ये कहती है कि आप इस तरह से लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं, और इसके किया गया, यह न्याय संगत है, उचित है। और देश में यह बदलना चाहिए कि अपनी जांच एजेंसियों पे सवाल उठाने के बजाय वो माइक अरविंद केजरीवाल के सामने रख के पूछा जाए, ये बताओ घोटाला किया क्यों, ये बताओ जनता का दुख जो तुम्हें हरना था वो हरने की बजाय तुम करोड़ों को घोटाला क्यों कर रहे थे। कुंदन, ये रुक देखिए, पहले सवाल के उत्तर में मैं ये कहूंगा, मुझे दुख होता है कि आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का विवेक देखिए हर लिया गया है। आपने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप कह रहे हैं कि इन प्रदेशों में चुनाव आने वाले हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और कोई विधानसभा के चुनाव आने वाले होंगे तो जांच एजेंसी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, अब चुनाव है हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कौन सा कानून है? किसी और देश के कानून से चल रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? और जहां तक जनता की बात है ना, खुद को सर्टिफिकेट देना ईमानदारी का, कट्टर ईमानदार, मैं बड़ा चेहरा बन के आज भारत में एक बड़ा नेता हूं, जो शख्सियत और व्यक्तित्व बड़ा होता है, जिसको जनता का आशीर्वाद मिला होता है, वो खुद को सर्टिफिकेट नहीं दिया करता है, उसकी पहचान, उसकी ईमानदारी, उसका काम बोलता है। जनता की आंखों में अरविंद केजरीवाल हैं जीरो, खुद की आंखों में वो हैं हीरो, इसका कोई इलाज नहीं है। शैलेंद्र, डीडी न्यूज, और हमको लगता है अब लास्ट सवाल, क्योंकि लगातार फिर 2 बजे हम प्रदेश कार्यालय में भी बैठने वाले हैं, आपके सारे सवालों का उत्तर देंगे। तो देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी जो हायर एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली दिल्ली में, जिसमें बच्चों को मदद करने के लिए बात कही, बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, बनाई थी, पूरी देश और दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े इश्तहार किए, एडवर्टीजमेंट किए। तो जब आरटीआई का जवाब आया कि भाई कितने बच्चों को आपने मदद की, तो 2 बच्चों को उन्होंने कहा कि हमने लोन दिया, लेकिन जब एक और आरटीआई लगाई तो यह आए कि डिस्पर अप्रूवल इसमें 2 बच्चों को दिया गया था कि 2 बच्चे पढ़ाई करें, लोन दिया गया, लेकिन जब आरटीआई दूसरी लगाई तो डिस्पर्सल जीरो था, यानी दो
छात्रों की सहायता के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया लेकिन उनको सहायता प्रदान नहीं की गई। जब एक दूसरी आरटीआई लगाई तो इसी स्कीम का उन्होंने प्रचार इतना किया कि 19.5 करोड़ रुपया उस पर खर्चा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई का जवाब है, मेरे पास आरटीआई भी है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार स्कीम तो बहुत बनाती है, उन्होंने 39 स्कीम 7 वर्षों में ऐसी बनाई, 39 स्कीम जो सिर्फ स्कैम तक ही सीमित रही, जिनका प्रचार के रूप में स्कैम हुआ, जनता तक वो पहुंची नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए उनका जो प्रचार तंत्र है इससे पता लगता है। मैं एक नहीं अनेक स्कीम बता सकता हूं जिसमें उन्होंने स्कीम की वास्तविक ग्राउंड के लिए कितना खर्चा किया और करोड़ों में प्रचार के लिए खर्चा किया। तो सवाल उठता है कि ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद दिल्ली के लोग अनुभव करते। अंतिम सवाल है, हाँ। देखिए, सबसे पहले तो सिद्धांत के तौर पे मैं एक बात करूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, ये जांच एजेंसियां जो है ना, ये अब पिंजरे का तोता नहीं है, ये अपना कार्य करेंगी और कानून की नजरों में अरविंद केजरीवाल जी भी एक सामान्य नागरिक हैं। दूसरा, जो आपने कहा बार बार इसे चुनाव से जोड़ के ये जो वक्तव्य दे रहे हैं, जिस तरह की भ्रष्टाचारी निकम्मा मुख्यमंत्री होने की छवि अरविंद केजरीवाल जी की बन गई है, उनके लिए ये अच्छा है कि जब तक रिपोर्ट कार्ड उनका जनता दे ना दे, और जिस दिन ये रिपोर्ट कार्ड आएगा वो ये जान जाएंगे कि आजाद भारत की राजनीति में सबसे भ्रष्टाचारी नेता कोई है जिसको सारे एफ मिले फेल, वो अरविंद केजरीवाल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, मिलेंगे।